अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर में। और जनाब अली, हम लोग बात कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ लोअर लिम की, और एनाटॉमी ऑफ लोअर लिम में हम लोग तकरीबन सारी बात कर चुके हैं। ग्लूटी लेजन की बात कर चुके हैं, थाई की बात कर चुके हैं, लेग की बात हम लोग कर चुके हैं, जो तीनों मेन ज्वाइंट्स हैं लोअर लिम के, हिप ज्वाइंट, नी ज्वाइंट और एंकल ज्वाइंट, तीनों की हम लोग बात कर चुके हैं। आज मैं आपसे जो बात करूंगा, मैं आज आपसे बात करूंगा एनाटॉमी ऑफ लोअर लिम, एनाटॉमी ऑफ फुट की, और एनाटॉमी ऑफ फुट में पर्टिकुलरली मैं आपसे आज जो बात करूंगा, मैं आपसे आज बात करूंगा जनाब अली आपके मसल्स ऑफ द सोल ऑफ द फुट की। ठीक है, आप मुझे जानते हैं, मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। फुट के इंट्रोडक्शन के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो कर चुका हूँ कि फुट जो है वो हमारा पार्ट है लोअर लिम का, और ये लोअर लिम का वो पार्ट है जो कि हमारे एंकल के आगे जो है वो मौजूद होता है। अगर आप लोगों ने अब तक फुट के ऊपर मेरी जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन फुट के ऊपर अगर नहीं देगी, तो इस जगह पर आपको उसका लिंक नजर आ रहा होगा, आप उसको क्लिक कीजिए और क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब तरीका हमारा पढ़ने का वही है जो हम हमेशा से करते हैं, कि मैं आपको चीजें समझाते जाऊंगा डायग्राम से, और जहाँ स्लाइड आएगी, जैसे ही हमारे पास स्लाइड आ गई तो मैं स्लाइड पर थोड़ी देर के लिए अपनी वीडियो को रोक लूंगा। आप चाहें तो इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे तो नोट बना लीजिएगा, जैसे आपको सही लगे वैसे कीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये फुट के इंट्रोडक्शन का हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं कि फुट जो है हमारा वो पार्ट है लोअर लिम का, जो कि प्लेस है कहाँ पर, ये प्लेस है एंकल ज्वाइंट से आगे। तो ये वो पार्ट है हमारे लोअर लिम का जो कि हमारे एंकल ज्वाइंट से आगे की तरफ जो है प्लेस होता है। उसके अलावा ये भी बात भी हम पहले कर चुके हैं कि ये आर्ची इसी फॉर्म में डिजाइन किया गया है ताकि ये आपके वेट को सपोर्ट करे, आपको लेवरेज प्रोवाइड करे चलने में वगैरह वगैरह। ये आपको डिफरेंट आर्चीज यहाँ पर नजर भी आ रही है, ये आपको यहाँ पर ये ट्रांसफर आर्च नजर आ रही है। इस तरीके से जब हम देखेंगे तो यहाँ पर इस तरफ आपको ये लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च नजर आ रही है। इस तरह जब हम देखेंगे ग्रेट टो की तरफ, बिग टो की तरफ, तो हमें मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च भी जो है वो नजर आ जाएगी। इसके अलावा वेट बेयरिंग का काम करते हैं, कुशन का काम करता है वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। शॉक एब्जॉर्बर का काम भी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने जो आपसे पर्टिकुलर बात करनी है, मैंने आपसे मसल ऑफ द सोल ऑफ द फुट की बात करनी है। इससे पहले कि मैं आप लोगों से मसल ऑफ द सोल ऑफ द फुट की बात करूँ, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इस बारे में जरूर बताएं ताकि उनको भी एग्जाम के हिसाब से पढ़ने में जो आसानी हो। ठीक है। अच्छा, जब मसल ऑफ द सोल ऑफ द फुट को हम देखते हैं तो मसल ऑफ द सोल ऑफ द फुट को चार लेयर्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रही है। या ये लेयर नंबर वन है, ये स्नेल का डायग्राम है, ये लेयर नंबर वन, ये आपकी ग्रेस का डायग्राम है, ये लेयर नंबर टू स्नेल का डायग्राम है, ये लेयर नंबर टू ग्रेस का डायग्राम है। ठीक हो गया। उसके बाद ये लेयर नंबर वन और लेयर नंबर टू नजर आ रही है, फिर आपको देन वी हैव लेयर नंबर थ्री एंड देन वी हैव लेयर नंबर फोर। तो हमने समझने के लिए जो फुट के जो सोल के मसल हैं उनको चार लेयर में डिवाइड किया। भाई याद रखना है, इसमें तो जो पहली लेयर होगी वो सोल की तरफ यानी ग्राउंड की तरफ होगी, और जो फोर्थ लेयर होगी यानी जो चौथी लेयर होगी वो जनाब अली हमारा जो बोंद होंगी फुट की उसकी तरफ होगी, यानी जो काउंटिंग हम करेंगे फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड करेंगे। ये बात आपने ध्यान में रखी। एक और बहुत काम की बात जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ और मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, इन मसल्स की ओरिजिन और इंसर्शन याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मतलब मैं तो आपको एक दफा बता दूंगा कि इन मसल्स की ओरिजिन और इंसर्शन क्या है, इसकी ओरिजिन इंसर्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ना को पूछता है और ना वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया। तो चलिए देखते हैं पहली लेयर के मसल कौन से हमारे पास। तो जब हम पहली लेयर के मसल को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि पहली लेयर में हमारे पास जो मसल हमारे पास हैं वो जनाब अली हमारे पास तीन मसल हैं, उनमें से एक एडक्टर हेलुसिस है, एक फ्लेक्सर डिजिटोरियम ब्रेविस है, और एक हमारे पास एबडक्टर डिजिटी मिनिमी है। अब मैं इसको हमेशा बच्चों को याद करने के हिसाब से, समझाने के हिसाब से बताता हूँ कि आप फुट को तीन हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। ये फुट का ग्रेट टो होगा तो ये मीडियल पार्ट, ये लैटरल पार्ट और ये सेंट्रल पार्ट। तो एक मसल मीडियल पार्ट में होगा, एक मसल लैटरल पार्ट में होगा और एक मसल सेंट्रल पार्ट में होगा। तो इस तरह चीजें समझने में कुछ बच्चों को कुछ आसानी हो जाती है। तो अगर मैं देखूं एबडक्टर हेलुसिस को, तो ये एबडक्टर हेलुसिस मुझे नजर आ रहा है और इसकी ओरिजिन मुझे नजर आ रही है कि ये कैल्केनियम से इसकी ओरिजिन हो रही है। और जब मैं इसकी इंसर्शन देख रहा हूँ तो ये प्रॉक्सिमल फैलिंग्स होती है, फर्स्ट डिजिट पे जाके देखें प्रॉक्सिमल फैलिंग्स आपको नजर आ रही है ना, उस पर जाके इंसर्ट हो रहा है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आपको इसके जो ओरिजिन इंसर्शन है उनको याद करने की जरूरत नहीं है। जब नर्व सप्लाई देखूंगा मैं इसकी एबडक्टर हेलुसिस की, तो मीडियल प्लांटर नर्व इसकी जो है वो नर्व सप्लाई होती है, और आप नाम से ही समझ रहे हैं इट इज एबडक्टर हेलुसिस। तो ये एबडक्शन एबडक्शन करवाएगा आपकी ग्रेट टो की। दूसरा जो मसल है जो कि लैटरल साइड का मसल है वो ये रहा, इट इज आप देख रहे हैं नाम लिखा हुआ है एबडक्टर डिजिटी मिनिमी। तो देखें ये भी एबडक्टर है और ये भी एबडक्टर है, तो दोनों जो लैटरल और मीडियल साइड पे मसल हैं वो एबडक्टर्स हैं। ठीक हो गया। तो अब देख रहे हैं आप ये भी कि इसकी भी जो ओरिजिन हो रही है जनाब अली वो आपकी कैल्केनियम की साइड से इसकी ओरिजिन हो रही है, और जब आप इसकी इंसर्शन देख रहे हैं तो बेस ऑफ दी प्रॉक्सिमल फैलिक्स ऑफ द फिफ्थ डिजिट यानी इस जगह पर ये जो प्रॉक्सिमल फैलिक्स है यहाँ जाके इंसर्ट हो रही है।
जब आप की नर्व सप्लाई देखेंगे तो चूंकि ये लेटरल साइड पे है तो लेटरल प्लांटर नर्व की नर्व सप्लाई होगी, और एक्शन का क्या होगा जनाब अली, ये फिफ्थ डिजिट को जो छोटी उंगली होती है पाँव की उसको एबडक्ट करवाएगा, एबडक्शन करवाएगा, ठीक हो गया। तो ये दोनों साइड के आपको मसल होगा, ये आपको जहन में रखना, याद रखना, ठीक हो गया। तीसरा जो आपके पास मसल है और वो बहुत इंपॉर्टेंट मसल है और वो है फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस। फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस हम लोग पढ़ चुके हैं जब हम एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को जो है वो पढ़ रहे थे। अगर आपने पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग पे अब तक मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो यहाँ पर ही आपको इसका लिंक नजर आ रहा होगा, वहां से आप इस लिंक पे क्लिक करके उसको जो है वो देख सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि ये बीच में जो आपको मसल नजर आ रहा है फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, ये हमारे पाँव की जो उंगलियां हैं, जो लेटरल चार टोज है हमारे, सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जो उसका टो होता है उसको जो है फ्लेक्स करवाने वाला मसल है। और आप देख रहे हैं इसकी जो ओरिजिन है वो भी कैल्केनियम से इसकी ओरिजिन है, और फिर इसकी इंसर्शन आप देख रहे हैं चार स्लिप्स में डिवाइड होके और जाके जनाब अली ये मिडिल फैलेंज जो होगा उन पे जाके जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। नर्व सप्लाई इसकी मीडियम प्लांटर नर्व होगी, ठीक हो गया। तो ये पहली लेयर के मसल है, तो आपने देखा पहली लेयर में आपको तीन मसल यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। अब यही तीनों देखें आपको यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं, ये आपका एबडक्टर हेलुसिस है, ये आपका एबडक्टर डिजिटी मिनिमी है, और ये बीच में आपके पास आपका फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस है। और आप देख रहे हैं सबकी ओरिजिन कैल्केनियम से हो रही है, इंसर्शन मैंने आपको बता दी। एबडक्टर हेलुसिस की मीडियम प्लांटर नर्व, फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस की मीडियम प्लांटर नर्व, मगर जो फ्लेक्स अपना एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी है उसकी लेटरल प्लांटर नर्व। अब जब सेकंड लेयर को हम लोग देखते हैं तो सेकंड लेयर में हमें दो टेंडन नजर आते हैं और दो हमें मसल नजर आते हैं। अब देखें ये हमें एक तो ये हमें टेंडन ये वाला नजर आ रहा है, दूसरा टेंडन हमें ये वाला नजर आ रहा है, एक मसल में ये नजर आ रहा है, एक मसल में ये नजर आ रहा है। तो जब हम मसल को देखते हैं तो यहाँ पर हमें दो मसल नजर आ रहे हैं, एक ये मसल हमें नजर आ रहा है विच इज द क्वाड्रेटस प्लांटी, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, और आप देख रहे हो जो क्वाड्रेटस प्लांटी है ये भी कैल्केनियम से ओरिजिनेट कर रहा है, और जनाब अली ये जाकर इंसर्ट हो रहा है जो फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस है उसके टेंडन के अंदर। तो ये फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस का टेंडन है, आप देख रहे हैं लिखा हुआ भी है फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, तो इसका टेंडन और जाके फिंगर्स के अंदर इंसर्ट हो रहा है। फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस का हमने फर्स्ट लेयर में देखा कि जो टेंडन है वो किस तरीके से जाकर जो है सारा काम कर रहा है अपना। उसके बाद इसकी जो नर्व सप्लाई होगी बेटे क्वाड्रेटस प्लांटी की, चूंकि लेटरल साइड से ओरिजिनेट कर रहा है तो लेटरल प्लांटर नर्व होगी, और ये फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस को असिस्ट करता है उंगलियों को फ्लेक्स करवाने में, ठीक हो गया। उसके बाद जो दूसरा मसल है हमारे पास वो लुम्बरिकल था, और लुम्बरिकल आपको पता है किसी टेंडन पे ओरिजिनेट होने वाले जो मसल होते हैं उनको लुम्बरिकल्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर नजर आ रहा है कि फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस का जो टेंडन है इनसे ही ओरिजिनेट कर रहे हैं, और इनकी जो इंसर्शन आप देख रहे हो वो जो लेटरल फोर डिजिट्स है उनके मीडियल एस्पेक्ट पे ये जाकर जो है वो इंसर्ट हो रहा है। अच्छा, जब इनकी नर्व सप्लाई देखते हैं तो जो मीडियल दो होंगे ये वाले जो इसके स्लिंग होंगे उनको मीडियल प्लांटर नर्व, और जो लेटरल स्लिंग होंगे उनको लेटरल प्लांटर नर्व जो है वो नर्व सप्लाई देती है। एक्शन जब हम इनका देखते हैं तो ये प्रॉक्सिमल फैलिंग्स को फ्लेक्स करते हैं और मिडिल और डिस्टल फैलिंग्स को जो है वो एक्सटेंड करते हैं, ठीक हो गया बेटे। तो ये देखें ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये आपको दो टेंडन यहाँ पर नजर आ रहे हैं, एक टेंडन आपका फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस का टेंडन है, दूसरा ये आपका फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस का टेंडन है, फिर इस फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस के टेंडन के साथ आपको लुब्रिकल नजर आ रहे हैं, और नीचे आपको क्वाड्रेटस प्लांटी भी नजर आ रहा है। ये इन्होंने KLM वालों ने बहुत अच्छी डायग्राम लगा के इनको जो है वो यहाँ पर जमा कर दिया, आप यहाँ से भी इनको देख सकते हैं। अब चूंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने जा रही है क्योंकि मसल बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करें, थोड़े लंबे लंबे सांस लें और अपने आप को रिलैक्स करें ताकि आपने अब तक जो भी पढ़ा उसको गैदर करने में आपको आसानी हो, ठीक हो गया। और ज्यादा आसान करना है तो पहली और तीसरी लेयर के अंदर मसल दोगे, दूसरी और चौथी लेयर के अंदर टेंडन दोगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पर वीडियो को रोक दीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अपने आप को लंबे लंबे सांस लेके इस पुरसकून बनाइए ताकि आपको चीजें याद रहे। एक और बात, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अगर अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, और मेरे दोस्तों के साथ लिंक जल्दी से शेयर कर दें ताकि उनको पढ़ने में समझने में आसानी हो। अब जो तीसरी लेयर, मैंने जो चीजें बताई आपको सबकी सब यहाँ लिखी हुई है वो आप देख लीजिएगा, ये फर्स्ट और सेकंड लेयर के मसल है। अब जब तीसरी लेयर को हम लोग देखते हैं तो तीसरी लेयर में हमें जनाब अली तीन तो मसल नजर आ रहे हैं, और वो तीन मसल देखें कौन कौन से, फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस हमें नजर आ रहा है, ये रहा फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस, उसके बाद हमें एडक्टर हेलुसिस नजर आ रहा है, तो देखें ये एडक्टर हेलुसिस, इसके दो हेड हमें नजर आ रहे हैं ट्रांसफर और ऑब्लिक हेड, इतनी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। और तीसरा जो मसल हमें नजर आ रहा है वो फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस है, वो देखें मुझे, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको इसके ओरिजिन इंसर्शन के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, ना कोई पूछता है ना ये इतना आजकल इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन सी लेयर के अंदर कौन सा मसल या कौन सी लेयर के अंदर कौन सा टेंडन जो है वो मौजूद है। अब जब हम देखते हैं हमारा पहला मसल फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस को, जो कि ये हमारा फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस है जो कि बिग टो का मसल है, तो इसकी जब आप ओरिजिन देख रहे हो तो ये क्यूबॉइड और क्यूनिफॉर्म से, ये देखें ये क्यूबॉइड और क्यूनिफॉर्म आपको यहाँ नजर आ रही है, इन दोनों से ओरिजिनेट कर रहा है। उसके बाद इसकी जो इंसर्शन आप देख रहे हो वो प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ द फर्स्ट डिजिट पे जाके जो है वो इसकी इंसर्शन हो रही है, यहाँ पर आपको भी कुछ नजर आ रहा है, ठीक हो गया। नर्व सप्लाई चूंकि मीडियल साइड का मसल है तो मीडियल प्लांटर नर्व इसकी नर्व सप्लाई होगी, और एक्शन के नाम से पता लग रहा है कि ये जो ग्रेट टो है हमारा, जो बिग टो है, उसकी फ्लाइंग करवाएगा।
और बाद ये जो दूसरा मसला हमारा एडक्टर हेलुसिस, इसका जो एक ऑब्लिक हेड है जो आपको नजर आ रहा है और एक इसका ट्रांसफर हेड है ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला ऑब्लिक हेड जो इसका है बेटा वो 2 to 4 मेटाटार्सल। तो देखें ये फर्स्ट मेटाटार्सल लिए तो सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो आप देख रहे हैं तीनों से ओरिजिनेट कर रहा है। और जब हम इसकी ट्रांसफर हेड को देखेंगे तो ट्रांसफर हमें मेटाटार्सल फेलेंजियल जो ज्वाइंट है वहां से ओरिजिनेट होता हुआ नजर आएगा। ये देखें हमें ओरिजिनेट होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। जब हम इसकी इंसर्शन देखते हैं तो जनाब अली ये लेटरल बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फेलिंग्स ऑफ द फर्स्ट डिजिट में जगह पर जाके इंसर्ट हो जाता है। अब चूंकि ये लेटरल साइड से मसला आ रहा है तो इसका लेटरल प्लांट बना हुआ इसकी नर्व सप्लाई होती है और इसके नाम से पता लग रहा है कि ये एडक्शन करवाएगा, एडक्शन करवाएगा किसकी, हमारे ग्रेट टो की या बिग टो की, ठीक है बेटा। तीसरा जो मसला है जो बहुत छोटा सा मसला है उसका नाम है फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस। ये बेस ऑफ दी आप देख रहे हो फिफ्थ मेटाटार्सल बोन से ओरिजिनेट कर रहा है और इसकी इंसर्शन जो है वो फेलिंग्स ऑफ दी फिक्स्ड जो फिफ्थ डिजिट है इस जगह पर जाके इसकी इंसर्शन हो रही है। अब चूंकि ये लेटरल साइड का मसला है तो लेटरल प्लांट ना इसकी ना सप्लाई है और ये क्या करेगा, ये जो हमारी लिटिल फिंगर है या जो हमारा लिटिल टो है उसको फ्लेक्स करवाने में जो है अपना रोल प्ले करेगा। अब देखें यही मसला आपको यहाँ भी नजर आ रहा है, ये आपका फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस है, ये हमारा एडक्टर हेलुसिस है और ये हमारा फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस है। ऑलराइट, उसके बाद जब हम फोर्थ लेयर को देखते हैं तो फोर्थ लेयर में हमें एक तो इंट्रोशिया नजर आ रहा है। देखें ये आप इसके नाम पे गौर करें, इंटर ऑशिया है, इंटर इज फॉर बोन और सॉरी बिटवीन, ऑशियस इज फॉर बोन, यानी वो मसल जो बोन के बीच में से ओरिजिनेट हो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, उसको हम लोग नाम देते हैं इंट्रोशिया का। तो वहां पे दो इंट्रोशिया होते हैं, पामर और डॉर्सल इंट्रोशिया। तो आपके यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि जनाब अली ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मेटाटार्सल से ओरिजिनेट कर रहे हैं और उसके बाद जनाब अली जो डॉर्सल इंट्रोशिया है वो भी फर्स्ट टू फिफ्थ जो हमारी मेटाटार्सल बोन है वहां से ओरिजिनेट कर रहे हैं। इंसर्शन की फाइलिंग से होती है, नर्व सप्लाई सबकी प्लांट ना होगी और ये जनाब अली जो पामर इंट्रोशिया है वो एडक्ट एडिडक्शन करवाते हैं, फॉर्मूला बन जाता है पैड, पीएडी पैड, और जो हमारे डॉर्सल इंट्रोशिया है वो एबडक्शन एबीडक्शन करवाते हैं, फॉर्मूला बन जाता है डैप। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो फोर्थ लेयर है इसमें कुछ टेंडन भी नजर आते हैं और वो टेंडन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास पेरोनियस लॉन्गस का टेंडन भी आपको नजर आ रहा है ना, दिस इज दी टेंडन फॉर पेरोनियस लॉन्गस और साथ में आपको टिबिलियस एंटीरियर का टेंडन भी जो है वो यहाँ पर नजर आ जाएगा, टिबिलियस पोस्टीरियर का सॉरी। तो ये आपको यहाँ पर जनाब अली टिबिलियस पोस्टीरियर का टेंडन नजर आ रहा है और ये आपको पेरोनियस लॉन्गस का टेंडन नजर आ रहा है, ठीक है बेटा। तो इसके साथ ही ये जो हमारा काम था मसल्स ऑफ द सोल ऑफ द फुट वाला ये अपने अख्ताम को पहुंचा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल रहेगी, आपको समझ में भी आएगी, आपको पसंद भी आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।